ओके, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले वोटर आईडी कार्ड रिप्लेसमेंट के बारे में। यानी कि अगर आपने नया वोटर आईडी कार्ड बनाया है या फिर आपका पहले से बना हुआ वोटर आईडी कार्ड है और आप चाहते हैं पीवीसी वोटर आईडी कार्ड यानी कि प्लास्टिक वाला वोटर आईडी कार्ड हमारे घर पे आ जाए, तो वो किस तरीके से आप करेंगे। यानी कि जो पुराना वेबसाइट है, यानी कि जो अभी तक मैंने जो भी वेबसाइट के बारे में बताया था, voter.gcie.gov.in, बहुत सारे लोगों का इस वेबसाइट से वोटर कार्ड आ रहा था लेकिन बहुत सारे लोगों का नहीं आ रहा था। तो उसी को देखते हुए नया पोर्टल बोल सकते हो या नया एप्लीकेशन बोल सकते हो, नया एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। जो एप्लीकेशन के बारे में हम कंप्लीट जानकारी देंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या करना है, वोटर आईडी कार्ड लाइव ऑर्डर करके दिखाने वाले। यानी कि हमारे घर पे भी वोटर आईडी कार्ड आएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, 7 दिन के अंदर वोटर आईडी कार्ड हम आपको मंगा कर दिखाने वाले। तो चलिए आज किस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कौन सी है वो एप्लीकेशन और कैसे उस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे हमें अपना प्लास्टिक वाला वोटर आईडी कार्ड को ऑर्डर करना है। इस प्रोसेस को हम अपने मोबाइल फोन से करने वाले हैं। तो सिंपली आपको अपना मोबाइल फोन में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च बार में सर्च करना है वोटर हेल्पलाइन। आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोलेंगे ये तो एप्लीकेशन पहले से ही मौजूद है प्ले स्टोर पे तकरीबन 5-6 साल पहले से, लेकिन ये नहीं है, ये नाम वही है लेकिन इसका पूरा का पूरा प्रोसेस ही चेंज कर दिया गया है। यानी कि ये इस एप्लीकेशन में बीच में काम नहीं हो रहा था तो पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सर्च में वोटर हेल्पलाइन एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इंटरफेस दिखा देना चाहते हैं। यहाँ पर इंटरफेस आप लोग देख सकते हो एकदम नया इंटरफेस आ चुका है। अब यहाँ पे स्टोर पे क्लिक करते हैं, हमारा कुछ प्रोसेसिंग हो रहा है, तब तक वीडियो को पॉज करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है कि ओपन पे क्लिक करना है। देख सकते हो इंटरफेस एकदम नया का नया है, मतलब इंटरफेस पूरा का पूरा चेंज ही कर दिया गया है। अब यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। अब यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड कैसे डालना है अगर बनाया है तब, जैसे हम एक डालते हैं, डालने के बाद एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने बना लिया, ऑलरेडी बता रहा है। यहाँ पे क्या करना है कि न्यू यूजर पे क्लिक करके मोबाइल नंबर एंटर करेंगे तो वह वोटर एग्जिट बताएगा, तो नहीं बताएगा आपको डायरेक्टली। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, मैंने तो कर लिया, लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपका डायरेक्टली ओटीपी लेगा। ओटीपी लेने के बाद पासवर्ड वगैरह बना के आप एकदम कर लेंगे अपना इसमें आईडी पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, जो पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड लिखेंगे। उसके बाद लॉगिन यानी कि एंटर जैसे करेंगे ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल रहा होगा। तो अब आपको क्या करना है कि अपना वोटर आईडी कार्ड रजिस्ट्रेशन यानी कि वोटर आईडी कार्ड लेने के लिए, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि वोटर सर्विस पे करेंगे तो नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, वोटर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। किस पे, वोटर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे फॉर्म 8 आपके सामने देखने के लिए मिल जाएगा, करेक्शन ऑफ इंटरेस्ट डिटेल, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका नाम शो कर दिया जाएगा जिस नाम से आईडी बनाया है। उसके बाद यहाँ पर लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है डू यू हैव ऑलरेडी वोटर आईडी कार्ड नंबर, अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड का नंबर है तो यस कर दीजिए, अगर आपका वोटर आईडी कार्ड गुम हो चुका है नंबर नहीं है तो नो कर दीजिए, है हमारे पास तो यस करके नेक्स्ट करेंगे। हमारे सामने आ जाएगा नेक्स्ट वाला बटन। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना वोटर आईडी कार्ड का नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का अगर आपके पास आता है तब समझ जाइए आपका डिटेल हो चुका है, फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने ये डिटेल खुल के आ चुका है। अब यहाँ पे आपको कुछ चेंज करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है डायरेक्टली आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करिए, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर लिख दीजिए। मोबाइल नंबर लिखने के बाद एंटर वाला बटन दबाएंगे, ऑटोमेटिक नेक्स्ट में चला जाएगा। नेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पर थर्ड नंबर इशू ऑफ रिप्लेसमेंट इपिक विदाउट करेक्शन पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, फिर दो नंबर को सिलेक्ट करेंगे बिना कोई लोचा लपाटा का डायरेक्टली। अगर आप चाहते हैं घर पे आ जाए मेरे, तो दो नंबर को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना प्लेस डालेंगे, ऑटोमेटिक आपका नाम रहेगा। उसके बाद यहाँ पर फिर से नेक्स्ट करेंगे, फिर नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद आपके सामने एक रेफरेंस नंबर आ जाता है, उस रेफरेंस नंबर को कॉपी करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास आ चुका है रेफरेंस नंबर। तो इस रेफरेंस नंबर को आपको मोस्टली इंपॉर्टेंट है कॉपी करके रख लेना है। आपका वोटर आईडी कार्ड ऑर्डर हो चुका है, अब आपके घर पे आ जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ प्रोसेस होगा जो कि आपको कुछ भी नहीं करना होगा लेकिन जानना आपको जरूरी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बैक आएंगे, वोटर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर सकते हो। वोटर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना रेफरेंस नंबर डालेंगे एंड यहाँ पे स्टेट को सिलेक्ट करके सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद आपके सामने यहाँ पे नहीं आता है तो फिर से दोबारा सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपके सामने आ जाता है तो क्विक करेंगे। ओके करने के बाद हमारे सामने देख सकते हैं, हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ चुका है। अब यहाँ पे सबसे पहले सबमिट हो चुका है, अब ब्यूरो अपॉइंट करेंगे, फिर फील्ड वेरिफिकेशन होगा, फिर एक्सेप्ट। इतना प्रोसेस होने के बाद हमारा वोटर आईडी कार्ड, जैसे इतना प्रोसेस हो जाता है एक्सेप्ट,
उसके बाद डायरेक्टली हमारे घर के लिए भेज दिया जाता है। ये एक्सेप्ट होने के 7 दिन के बाद आपके घर पे एकदम वोटर आईडी कार्ड आ जाएगा। एकदम रिप्लेस कर सकते हो वोटर आईडी कार्ड को, नया चमचमाता हुआ वोटर आईडी कार्ड को अपने घर पे मंगा सकते हो इसी प्रोसेस से, और कोई भी अभी प्रोसेस नहीं है। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए, 100% आपका वोटर आईडी कार्ड आएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।